कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देशन में छतरपुर जिले में मानव स्वास्थ्य के दृष्टिगत लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं अवैध खाद्य सामग्री निर्माण गतिविधियों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री जीआर के निर्देशन में सोमवार की देर रात्रि को प्रशासन के संयुक्त टीम राजस्व खाद्य एवं पुलिस विभाग द्वारा नौगांव के ग्राम तिंदनी में खेत पर बने एक घर में अवैध गुटखा निर्माण फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने अलर्ट मोड में देर रात्रि छापेमार कार्यवाही कर संपूर्ण सामग्री को जब्त किया है। गुटखे के अवैध निर्माण की जगह के भूमि स्वामी रणधीर सिंह पिता किशोर सिंह निवासी नौगांव के खेत पर कार्यवाही की गई। उक्त भूमि पर बने मकान में अवैध गुटखा निर्माण होते पाया गया, जहां पर दो गुटखा मशीन, 13 बोरी कच्चा माल एवं 42 पैकेट किंग गुटखा के पैकेट पाए गए। उक्त गुटखा तंबाकू सुपारी मिक्स माल से बना पाया गया। इस मामले में संबंधित पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान SDM विशा माधवानी, तहसीलदार संदीप तिवारी सहित खाद्य एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। किस तरह की कार्रवाई और कहां कहां पर कार्रवाइयां की गई हैं? कलेक्टर महोदय और SP महोदय के निर्देशन में आज जॉइंट कार्रवाई हुई है फूड पुलिस और प्रशासन की। अवैध गुटखा की हमें सूचना मिली थी, 3 जगह रेड की, जहां 2 जगह हमें सफलता मिली। 2 मशीनें और दोनों ही जगह से मिला के लगभग 16 बोरी कच्चा माल जो इलीगल गुटखा का होता है वो जब्त किया गया है, और पैराफिन करके एक केमिकल है उसे भी जब्त किया गया है। किस किस ब्रांड का गुटखा था और किस तरह का मटेरियल पैकेजिंग का यूज़ किया गया? जो पैकेजिंग मटेरियल था उसमें किंग और मास्टर जी, भाभी जी, इस तरह के टैगलाइन लिखे हुए हैं, ब्रांड लिखे हुए हैं, उन सब का पैकिंग मटेरियल मिला है, उसे भी जब्त किया गया। कुछ मशीन वगैरह जब्त हुई है क्या? हाँ, 2 मशीन जब्त हुई है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं मिला लेकिन मशीन जब्त हो गई। मौके पर कोई गाड़ी वाहन कुछ जो भाग रहे थे वहाँ 2 बाइक छोड़ के लोग भाग गए, तो वो 2 बाइक भी फिलहाल हमने थाने में रखवा दी है ताकि पहचान हो सके कि कौन सा व्यक्ति था। स्थानीय जहाँ पर ये पैकेजिंग हो रही थी वहाँ पे मकान मालिक या कोई ऐसे जगह की स्वामित्व का कोई ऐसा पता चला? पहली जगह तो हमें कोई नहीं मिला था वहाँ पे, लेकिन वहाँ का हमने खसरा वगैरह निकाला है, कोई रणधीर किशोर के नाम से वो आ रहा है, उसमें जाँच अभी की जाएगी। और दूसरी जगह घर है, ये किसी फूल सिंह के नाम पर दर्ज है, उसमें भी आगे जाँच होगी कि ये एक्चुअली उनका या किराए पर दिया हुआ है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। गुटखा निर्माण करता और जो स्वामित्व जिनका मकान है या स्थान है उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी हमने सैंपलिंग की है और जब्ती बनाई है, और अब फूड डिपार्टमेंट से पूरा प्रोसीजर होगा, लीगली जो कार्रवाई होती है वो कोर्ट तक जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।